जब भी आपको फील हो ना कि आपके पास करने का कुछ भी नहीं है, तो अपने भाई को लेना और उसको परेशान करना शुरू कर देना। ये सबसे अच्छा तरीका होता है अपना टाइम पास करने का, क्योंकि जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता ना, तो जस्ट भाई के साथ लड़ाई कर लो और वो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग होता है। और जब आपको ये फील हो रहा हो ना कि आप हारने वाले हो या फिर आप कमज़ोर पड़ रहे हो, तभी ना थोड़ा तेज से चिल्लाना शुरू कर दो कि मम्मी पापा ऐसे के ना, और थोड़ा सा रोने की एक्टिंग करना शुरू कर दो। उतने में ही ना आपका भाई ना आपको छोड़ के मतलब ऐसे चला जाएगा, और फिर मम्मी आके उसको दो थप्पड़ भी लगा देगी। तो इस तरह से मतलब आपका जो टाइम है वो भी बढ़िया हो जाएगा और भाई को डांट भी पड़ जाएगी। तो इस तरह से आपकी जो डिज़ाइंस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इन सब कामों में यार मज़ा तो बहुत आता है, और जब भाई की डांट पड़ते ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। बट यार लेकिन जब सीरियस डांट पड़ते ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और फिर जब उसे ना पैसों वैसों की ज़रूरत होती है ना, तो वही बहन ही याद आती है जिसे वो 10 रुपये देता है। तो इसीलिए आपका भाई कैसा मुझे कमेंट करके बताना, एंड हैप्पी रक्षाबंधन गाइस। आप सब इंजॉय करना अपने भाई के।